धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। इस देश में 1968 से लगभग 50 साल से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात चल रही है सर, और प्रत्येक साल 1968 में जब ये शुरू किया कांग्रेस के शासन में तो 33% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती थी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब किसानों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, और एजुकेशन लोन जो है वो 1968 से स्टार्ट हुआ। आज 50 साल बाद भी किसान आत्महत्या को मजबूर है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रहन सहन ऊपर नहीं उठ पाया। यदि सच्चर कमेटी रिपोर्ट को यदि आप देखेंगे उपाध्यक्ष महोदय, तो माइनॉरिटी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। 1982-83 में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के समय जो है कमेटी बनी, और बाद में राजीव गांधी जी ने 1985 में इसको इम्प्लीमेंट किया कि ये 33% का जो लैंडिंग था वो 40% हो गया। और 40% के लैंडिंग के बाद आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये 9.5 लाख करोड़ इस साल जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बैंक लोन दे रहे हैं। लेकिन जो आरबीआई ने समय समय पर इसमें संशोधन किए उपाध्यक्ष महोदय, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। पहले डायरेक्ट लैंडिंग किसानों को जो होती थी, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लैंडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और इसके कारण यदि आप देखेंगे तो केवल 88% किसान, ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो मार्जिनल फार्मर हैं, जिसको 2 से लेकर 5 एकड़ जमीन है। लेकिन जब बैंक लोन लेने के लिए जाती है तो वो 2 लाख 3 लाख का लोन नहीं देती है, वो 5 करोड़ का लोन, 10 करोड़ का लोन, 15 करोड़ का लोन और 25 करोड़ का लोन देती है। और उसका कारण यह है कि किसानों के नाम पर रबर प्लांटेशन के लिए, टी प्लांटेशन के लिए, शुगर केन प्लांटेशन के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए ये लोन दिया जाता है। और उसका कारण रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसका कारण आरबीआई की समय समय पर ये पॉलिसी चेंज है, और इस कारण से किसान आत्महत्या को मजबूर है। मेरा आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये सरकार से आग्रह है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को रिविजिट कीजिए, रिव्यू कीजिए, और डायरेक्ट लैंडिंग कैसे किसानों तक होगा जिससे किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं हो, उसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।